हेलो एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। और आज के इस शॉर्ट वीडियो में मैं अपने न्यू डेक्स आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करूंगी। 3 नए डेक्स मेरे पास में आ चुके हैं, रीडिंग्स भी मैंने स्टार्ट कर दी है, बहुत सारे लोगों ने इसको परचेज भी कर लिया है। इसका फर्स्ट एडिशन पूरा सोल्ड आउट भी हो चुका है, सेकंड एडिशन अभी प्रिंटिंग में है। तो जब सेकंड एडिशन जा रहा था तो मुझे लगा कि मुझे आपको बता देना चाहिए कि कौन से नए कार्ड्स अवेलेबल हैं ताकि आप भी अपनी कॉपी बुक करवा सकें। जो भी लोग लव रिलेशनशिप्स में कंफ्यूज रहते हैं, चाहे वो अपनी पर्सनल रीडिंग करते हैं या आप एक टैरो कार्ड रीडर हैं और आपके पास बहुत सारे लव रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और आपको यू वर्सेस देम रीडिंग्स करनी होती हैं, तो ये डेक मैंने बनाया है स्पेसिफिकली लव रिलेशंस को गाइड करने के लिए। इसका नाम है रिलेशनशिप डायनेमिक्स ओरेकल डेक। ओके, तो रिलेशनशिप डायनेमिक्स ओरेकल डेक की बहुत स्पेसिफिक चीज़ें हैं इसके अंदर बताने के लिए। मेरे पास 70 कार्ड्स हैं, ये ओरेकल डेक है, इसमें 70 कार्ड्स हैं और इसकी खूबसूरती मैं आपको अभी बताती हूँ एक मिनट में। इसके जो कार्ड का फ्रंट साइड है, उस फ्रंट साइड पर हमने बॉलीवुड मूवीज़ को पोर्ट्रे किया है। ठीक है, बॉलीवुड मूवीज़ को पोर्ट्रे किया है। कौन सी बॉलीवुड मूवीज़ को पोर्ट्रे किया है जिनमें किसी स्पेसिफिक तरह के लव रिलेशनशिप डायनेमिक्स को दिखाया गया है और उन लव रिलेशनशिप्स में जो मेन लीड कैरेक्टर्स हैं, जो लीड कैरेक्टर्स हैं उनके अटैचमेंट स्टाइल्स कौन से हैं, उनकी कौन सी वीकनेसेस हैं, उनकी कौन सी क्वालिटीज़ हैं और इस रिलेशनशिप पर इम्पैक्ट कैसे आया लीड कैरेक्टर्स के अपने इश्यूज की वजह से, उन पर किस तरह से इफ़ेक्ट आया। और अगर इस तरह का डायनेमिक्स आपके बीच में चल रहा है, इस मूवी के जिस तरीके से इसका स्टोरी लाइन रन करती है उस तरीके से अगर आपका भी अगर आप रेजोनेट करते हैं उस स्टोरी लाइन के साथ या आप इस मूवी के किसी कैरेक्टर के साथ में आप रेजोनेट करते हैं, तो आपको अपने लव रिलेशन में क्या जानने की ज़रूरत है, क्यों आपको प्रॉब्लम आ रही है, कौन सी बिहेवियरल ट्रेट्स आपके अंदर है, कौन सी बिहेवियरल ट्रेट्स आपके स्पेसिफिक पर्सन में है, आपके और आपके रिलेशनशिप में किन चीज़ों का इम्पैक्ट आ रहा है और इस तरह के लव रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो उसकी हीलिंग कैसे हो सकती है, उसको बैलेंस में कैसे लाया जा सकता है। ये सारी डिटेल्स इन कार्ड्स के अंदर आपको मिलेंगी और ये बहुत ही एक्यूरेट बन के आया है ये डेक। यहाँ पर इसमें हर तरह की मूवीज़ में जितनी तरह के रिलेशनशिप्स, हिंदी मूवीज़ में जितनी तरह के रिलेशनशिप दिखाए गए हैं, जो ब्लैक एंड वाइट मूवी से लेकर अभी रीसेंट मूवीज़ में जितनी भी मूवीज़ थी मैंने सेलेक्ट किया है स्टडी करके कि कौन सी मूवीज़ में किस तरह के रिलेशनशिप्स को दिखाया गया है और उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, उसका क्या वजह है उस तरह के रिलेशनशिप के बनने की, उसमें आपको क्या रेपरकेशन आते हैं, उसको हील कैसे किया जा सकता है, कौन से इश्यूज़ हैं जिनको ठीक करने की ज़रूरत है। ये कार्ड्स आपको हर तरह के रिलेशनशिप्स के ऊपर बहुत ही इंसाइट देंगे, बहुत गहरी इंसाइट देंगे। अगर ये कार्मिक रिलेशन है या एक सोलमेट रिलेशन है या ये ट्विन फ्लेम रिलेशन है या फिर ये एक बैलेंस रिलेशन है या एक इम्बैलेंस रिलेशन है, इस रिलेशन में आपके लिए क्या स्पिरिचुअल गाइडेंस है, इस रिलेशन की आपकी लाइफ में क्या इम्पॉर्टेंस है, इस रिलेशन से आप क्या हील कर सकते हैं, इस रिलेशन से आप क्या सीख सकते हैं। ये रिलेशन आपको अपनी लाइफ में किस तरफ जाने के लिए डायरेक्ट कर रहा है, किस दिशा में आपको गाइड करना चाहता है, ये सारी डिटेल्स मिलेगी आपको इस कार्ड डेक में। बहुत ही मीनिंगफुल कार्ड डेक है ये और लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट इस रिलेशनशिप के आपके ऊपर क्या पड़े हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझाने के लिए ये 70 कार्ड डेक्स मैंने यहाँ बना रखे हैं। और कैसे आप इस रिलेशनशिप के पेन से निकल सकते हैं, कैसे इस रिलेशनशिप से अपनी लाइफ में आप लेसन सीख सकते हैं और ये रिलेशनशिप कैसे आपको अपनी लाइफ पर्पस से मिलवाना चाहता है, या इस रिलेशनशिप के अंदर कौन सी एनर्जीज़ हैं, सोलमेट एनर्जीज़ या ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ कैसी एनर्जीज़ हैं, ये सारा कुछ दिखाएंगे ये कार्ड्स आपको। तो ये मेरे अब तक के बने हुए सबसे क्रिएटिव कार्ड्स हैं, जितने भी कार्ड्स मैंने अब तक बनाए हैं उसमें सबसे ज़्यादा क्रिएटिव कार्ड है। मेरा सारा माइंड जितना भी था भगवान का दिया हुआ सारा इन कार्ड्स को डिज़ाइन करने में लगा है। तो ये डेक आप अपने लिए ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं, अगर आप पर्सनल रीडर हैं तब भी और अगर आप एक प्रोफेशनल रीडर हैं तब भी। इसी के साथ में एक और रिलेशनशिप के साथ में करियर पे मोस्टली रीडिंग्स आती हैं हमारे पास, जब पर्सनल रीडिंग आती हैं तो
थ्री क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन मोस्टली फाइनेंसेस और करियर का होता है, तो करियर रिलेटेड गाइडेंस देने के लिए मैंने यहाँ पर करियर गाइडेंस ओरेकल डेक डिज़ाइन किया है। करियर गाइडेंस ओरेकल डेक इसमें भी लगभग 65 के करीब कार्ड हैं। इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसमें मैंने किसी एक स्पेसिफिक करियर पर कार्ड बनाया, जैसे ये थेरेपिस्ट का कार्ड है, तो थेरेपी कितनी तरह की थेरेपी हो सकती है ये यहाँ पर इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, और बेस्ट थेरेपिस्ट का एग्जांपल यहाँ दे रखा है, और इस थेरेपिस्ट की सक्सेस स्टोरी, उनके अचीवमेंट्स मैंने यहाँ पर शेयर कर रखे हैं, ऐसा हर एक कार्ड के साथ में कर रखा है। और अगर आपको इस तरह का कोई थेरेपिस्ट बनना है तो इस पर्सन से आप क्या सीख सकते हो, इस तरीके के ये कार्ड है। ये 50 नंबर का कार्ड टैरो कार्ड रीडर, इसमें मेरा अपना ही फ़ोटो दिया हुआ है। तो टैरो कार्ड रीडर आप बनते हो तो उसमें क्या करियर पॉसिबिलिटीज़ है इसमें, और क्या क्या आप बन सकते हो, और इस पर्सन की जिसके बारे में ये कार्ड दिया उसकी सक्सेस स्टोरी, उसके अचीवमेंट्स आपको जानने को मिलेंगे, और उससे आप क्या सीख सकते हो अपने करियर में, आपके लिए क्या गाइडेंस है, वो कार्ड के साथ में ही दिया हुआ है। हर एक फील्ड से, मैंने यहाँ पर ट्रांसलेटर इंटरप्रेटर है ये कार्ड, हर एक फील्ड में जितने करियर पॉसिबल हैं वो सारे करियर्स को मैंने यहाँ पर शॉर्टलिस्ट कर दिया है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर करियर गाइडेंस आपको मिल रही है, और बहुत ही अच्छा, बहुत दिमाग लगा के बनाए ये कार्ड भी मैंने। वाह, बहुत ही सुंदर कार्ड है ये। ओके, तो ये करियर गाइडेंस के डेक भी हमारे पास में अवेलेबल हैं, आप चाहें तो इनको भी ऑर्डर, क्योंकि जो राइडर वे टैरो डेक वगैरह होता है ना, उससे करियर की गाइडेंस आप दे सकते हैं, लेकिन उसमें भी मैंने ऑल इन वन, और जो मैंने अपने टैरो डेक बनाया उसमें भी मैंने करियर गाइडेंस बहुत अच्छे से दे रखी है। बट स्टिल अगर स्पेसिफिक करियर्स के बारे में अगर आप बात करना चाहें, आप ज़्यादा जानकारी आपको भी नहीं हो, तो ये करियर का गाइडेंस कार्ड आपको बहुत अच्छे से इंसाइट देंगे। और अभी मैं इनको पर्सनल रीडिंग में डेली यूज़ कर रही हूँ और ये मुझे बहुत हेल्पफुल हो रहे हैं, मतलब लिटरली ये मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखा देते हैं जो राइडर वे या दूसरे नॉर्मल कार्ड आपको नहीं दिखा सकते, वो ये कार्ड्स आसानी से अपने को इंसाइट देते हैं। आप लोगों को गाइड करें ना, तो आपको बहुत बोलने के लिए आपके पास मटेरियल होता है, समझाने के लिए आपके पास कुछ होता है, तो ये कार्ड भी आप ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। और तीसरे कार्ड्स हैं फाइनेंस मैनिफेस्टेशन यूनिवर्सल लॉज एंड वास्तु गाइडेंस पर्पस से ये कार्ड बहुत अच्छे हैं। लोग हमारे पास में फाइनेंस की गाइडेंस मांगने आते हैं, मैनिफेस्टेशन के बारे में हमें उन्हें बताना हो, या यूनिवर्सल लॉ, कौन सी परिस्थिति में कौन सा यूनिवर्सल लॉ इस वक्त आपको इफेक्ट कर रहा है, या आपके घर का कौन सा बैड वास्तु आपके घर को इफेक्ट कर रहा है, उसके ऊपर ये कार्ड है। और ना सिर्फ उसके ऊपर कार्ड है बल्कि सारी गाइडेंस दिया हुआ है मैंने इसमें। ये कार्ड की फ्रंट साइड है और बैक साइड पर मैंने पूरी डिटेल दे रखी है, वास्तु के नियमों की पूरी जानकारी दे रखी है। तो अगर आप एक वास्तु शास्त्री नहीं हो और पर आप टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू भी अपनी वास्तु का गाइडेंस दे सकते हो, कौन सी दिशा में क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या अलाइनमेंट होना चाहिए, वास्तु के किस नियम का उल्लंघन करने से क्या प्रॉब्लम आती है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें मैंने इसे बताई है। इसके बाद में फाइनेंस से रिलेटेड जो गाइडेंस आप देना चाहते हो, रिटायरमेंट प्लानिंग का ये कार्ड है, तो रिटायरमेंट की प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, कैसे इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए, सिक्योर रिटायरमेंट को कैसे अप्लाई किया जा सकता है लाइफ में, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कार्ड हैं, इसके अंदर मनी अफर्मेशंस के कार्ड हैं, वेल्थ और अबंडेंस के लिए आप कैसे मनी अफर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं, ये सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कार्ड हैं इसमें, बहुत ही सुंदर सुंदर, और उसमें पूरी डिटेल पीछे दे रखी है कि आप इसको कैसे अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में। तो ये बहुत 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 ही सुंदर सुंदर कार्ड्स बन के आए हैं, अभी तीन कार्ड्स आए हैं, तीन चार कार्ड्स अभी और भी हैं। लॉ ऑफ कंपेंसेशन, ये यूनिवर्सल लॉज के बारे में, यूनिवर्स किन लॉज पे काम करता है और इन लॉज का उपयोग आप अपनी भलाई के लिए कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने ये कार्ड डेक बनाया है। तो यू कैन यूज़ देम, आप गाइडेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, वास्तु की गाइडेंस देनी हो, मनी से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी आपको गाइडेंस देनी हो, तो ये वाले कार्ड्स का आप उपयोग कर सकते हो, राइट? तो ये तीन डेक सेट्स अभी नए बन के आए हैं,
मैंने अपने कोर्स के लिए डिज़ाइन करवाए थे, तो कोर्स वाले सभी लोगों ने परचेज़ कर लिए हैं, इसलिए ये ऑलरेडी एक बार ख़त्म हो चुके हैं, दूसरी बार प्रिंटिंग के लिए जा रहे हैं। तो अगर आप भी इनको ऑर्डर करके मंगवाना चाहें तो मंगवा सकते हैं। 3 कार्ड डेक्स अभी और लाइन में हैं, आएंगे भी बहुत ही जल्दी, वो भी बहुत सुंदर डिज़ाइन हुए हैं। तो जब तक वो आएंगे तब तक आप एक बार पहले इनको ऑर्डर करके मंगवा लीजिए। थैंक यू।